गरीब वे लोग होते हैं जो जीवन के आधारभूत जरूरतों से महरूम रहते हैं, जैसे पर्याप्त भोजन, कपड़े और छत। आज भारत एक विश्व शक्ति के रूप में उभर के आगे आ रहा है, पर हमारे देश में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको दो वक्त की रोटी नहीं हासिल होती, जिसमें से एक सुमोली का परिवार है, जो उम्र बच्चों के स्कूल में पढ़ने और खेलने की होती है। उस उम्र में सुमोली को अपने भाई की देखभाल करनी पड़ती है, क्योंकि उसके पिता इस काबिल नहीं कि उसे स्कूल भेज सके। कुछ बचता ही नहीं है, दो दिन काम करेंगे, दो दिन काम करने के बाद में मान के चलिए फिर तीसरा दिन काम नहीं मिलेगा हमें। अब काम नहीं मिलेगा तो फिर उसी पैसे में खा जाते हैं, हमारे पास एक पैसे नहीं बच पाते हैं, ना हमारे रहने का ठिकाना है, ना हमारा घर अपना है। यहाँ जहाँ काम करते हैं झुग्गी में दो चार दिन रहते हैं, उसके बाद खाली करके फिर वहाँ भागना जाना पड़ता है, मुझे कभी वहाँ जाना पड़ता है, नहीं बन पाता हमारा। मतलब उतने जितने कमा रहे उतने खा जा रहे, एक पैसा हमारे पास नहीं बच पा रहा है। ना उनके पास स्थायी रोजगार है और ना ही पर्याप्त पैसे। ना तो सुमोली के पिता के पास अपना घर है, और हर बार नया काम मिलने पर उनको अपने रहने की जगह बदलनी पड़ती है। दिन भर इतना काम करने के बाद भी वो इतना पैसा नहीं जोड़ पाते कि सही से दो वक्त का खाना भी नसीब हो पाए। 10 दिन यहाँ काम करते हैं हम, 10 दिन कहीं दूसरे का काम करना पड़ता है, काम धंधा है नहीं ढंग से, जैसे कि खाना पीना भी ढंग से नहीं खा पाते हम लोग, काम ही नहीं मिलता है। कभी 10 दिन यहाँ कमाते हैं, 10 दिन वहाँ जाते हैं, 10 दिन वहाँ रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं उसको हम पढ़ा नहीं पाते हैं, और ना हमारे पास है उतना पैसे कि ना हम इसको हम पढ़ा पाएंगे। कमाते हैं तो बच्चे में परेशान हो जाते हैं, ना पैसा बचता है ना बच्चे पढ़ता है। पर इसमें दोष किसका, सुमोली के नसीब का या गरीबी का? पर जब तक सुमोली जैसे बच्चे इस तरह गरीबी की वजह से अपना बचपन खोते रहेंगे, तो हमारे देश का भविष्य इसी तरह मजबूरियों के तले दबा रहेगा। गरीब के बच्चों को सर्दी नहीं लगती, पांव उनके पत्थर के हुआ करते हैं। दुआ मांगते हैं हम खुदा से अपनों के लिए, इनके लिए तो खुदा भी दुआ करते हैं।